जैन साथियों, रोजगार विद पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोस्ट के बारे में, आर्मी के तहत एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसमें आप अग्निवीर योजना के तहत ना भर्ती होकर के डायरेक्ट परमानेंट जॉब पा सकते हैं। तो आर्मी की एकमात्र एक ही ऐसी पोस्ट रह गई है जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हो, सिलेक्शन पाते हो, तो आप परमानेंट बेस पर आर्मी के अंदर काम कर पाओगे, ना कि आप अग्निवीर में काउंट होगे। तो इसकी क्या भर्ती प्रक्रिया है, कैसे आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, क्या प्रोसेस रहने वाला है और कौन सी ये जॉब है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो में मैं अंत तक आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करने वाले हैं कि वो कौन सी पोस्ट है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो क्या उसमें खास रहने वाला है। तो देखिए, एक बेहतरीन पोस्ट जिसमें आप अगर अप्लाई करोगे तो आप परमानेंट बेस पर आर्मी के अंदर काम कर पाओगे, वो है नर्सिंग असिस्टेंट। एक नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के तहत अगर आप सिलेक्शन पाते हो तो आपका आपको जो है अग्निवीर में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब के लिए काम किया जाएगा, आपको 4 साल के बाद उससे बाहर नहीं किया जा सकता। मात्र एक सिपाही रैंक की एक ऐसी पोस्ट बची है आर्मी के अंदर जिसमें आप अगर सिलेक्शन लेते हो तो आपको परमानेंट बेस पर काम मिलेगा और बहुत शानदार जॉब रहने वाली है जिसमें आपको वर्दी पहनकर एक ऑफिस में, एक सिविल एरिया में काम करने का मौका सेना के अंदर मिलता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब आपको रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि हमारी जो इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, अगर हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है तो ये पोस्ट आपकी किसी काम की नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तभी इस पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हैं। अब 12th पास में भी आपका एक और नियम कि अगर आप 12th पास हैं और आपकी जो फाइनल मेरिट है, मतलब 12th में आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो 50% से अधिक होने चाहिए। अगर 12th में आपकी 50% से अधिक है और आपका जो 12th है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन सब्जेक्टों से आपने 12th किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर टोटल परसेंट की जो बात कर रहे हैं वो हो गई आपकी 50%, और अगर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज परसेंट की बात की जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर होना अनिवार्य है। अगर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर हैं और टोटल आपके 50% नंबर हैं और आपके पास जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज क्या रहने वाली है, किस एज कैटेगरी के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एज कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें एज में भी हमें बहुत बड़ी छूट दी गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी अग्निवीर के तहत पोस्ट निकलती हैं, जैसे जीडी हो गया, सोल्जर, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन हो गया, उन सभी के लिए आपकी जो एज क्या दी गई है वो है 17.5 से 21 साल तक। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी एज दी गई है वो है 17.5 साल से 23 साल तक। अगर आपकी एज 23 साल से कम है और 17.5 साल से अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये दो पॉइंट क्लियर हो गए कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए और हमारा जो है एज क्या होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका प्रोसेस क्या है कि हम कैसे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले क्या रिटेन होगा, क्या फिजिकल होगा, किस किस चरण से हमें सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन तक इस भर्ती के लिए गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो बहुत जल्दी जाकर के आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हम अपने ZRO के तहत जो आपका ZRO है उस पर क्लिक करके वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के निवासी हैं तो हमारा जो ZRO लगता है वो लखनऊ है, दोनों राज्यों का ZRO लखनऊ है, आप ZRO लखनऊ पर क्लिक करके वहाँ से इसका फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि अगर अग्निवीर के तहत आप अप्लाई कर रहे हो तो वो हमारा ARO वाइज अप्लाई होता है और अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ZRO के तहत अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी बात हो गई अप्लाई की, क्योंकि अभी जो इसके फॉर्म है वो अप्लाई चल रहे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है। आप 16 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक इसके फॉर्म भर सकते हैं और इसकी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। एग्जाम की डेट भी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, एग्जाम भी बहुत जल्दी लिया जा रहा है और पहले ही रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल होगा क्या होगा ये भी मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इसके प्रोसेस के लिए सबसे पहला जो चरण है आपका वो है रिटन एग्जाम, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा। पहली जो प्रक्रिया थी वो आपका फिजिकल होता था, उसके बाद आपका मेडिकल, फिर फाइनल लास्ट में जाकर के आपका रिटन लिया जाता था। लेकिन इस बार जो चेंजिंग आई है आर्मी के अंदर वो यही आई है कि जो रिटन है आपका वो पहले कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि पहला जो पॉइंट हो गया हमारा, पहला फर्स्ट फेज हो गया फेज, वो है हमारा रिटन एग्जाम का। आपको सबसे पहले एक लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो आपकी ऑनलाइन होगी कंप्यूटर पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण जो आपका फिजिकल का, जैसे पहले होता था उसी प्रकार आपका फिजिकल है और फिजिकल में इसमें नर्सिंग असिस्टेंट में आपको ध्यान रखना है कोई भी फिजिकल का नंबर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। फिजिकल जो है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ 5:45 में 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है और साथ ही आपको लॉन्ग जंप और जिगजैग बैलेंस वगैरह ये सब क्वालिफाइंग करना है, कुछ भी आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके बाद आपका
मेडिकल, मेडिकल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में आपकी फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी, फाइनल मेरिट। और फाइनल मेरिट में जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम के नंबरों के बेस पर ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो रिटर्न एग्जाम का हमारा सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहेगा और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कितने मार्क का हमारा पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे समय के बारे में, तो हमारा जो रिटर्न एग्जाम का समय रहने वाला है वो मात्र एक घंटे का समय रहने वाला है। एक घंटे का आपको समय मिलेगा जिसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन का टाइम है। आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। 50 क्वेश्चन में अगर हम सब्जेक्ट वाइज बांटें तो आप में उसमें 10 क्वेश्चन आपके जीके, 5 क्वेश्चन आपके मैथ के और आपके और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपकी रहने वाली है। अभी 5-15 ये हो गए और आपकी जो बाकी क्वेश्चन बची 35, वो उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट रहने हैं 12th वाले। ये 12th लेवल की आपकी आएगी। मैथ जो रहेगा वो आपका 10th लेवल का ही रहेगा और जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पार्ट है वो 12th लेवल का रहने वाला है। तो ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और 50 क्वेश्चन की अगर नंबरिंग करें बाकी बात कर हम करें तो जो मार्क बनेंगे आपके वो 200 पेपर जो होगा आपका ऑल ओवर वो 200 नंबर का होने वाला है। 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो A1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए, एक बहुत बेहतरीन पोस्ट जो कि आप डायरेक्ट आर्मी में जाकर के परमानेंट बेस पर काम कर सकते हो। आपका कोई 4 साल बाद आपको निकलने की, बाहर जाने की कोई डर नहीं रहेगा और आपको वर्दी के अंदर एक सुनहरा मौका मिलेगा वर्दी पहनने का भी और साथ में आपको सिविल लोगों के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा, सिविल एरिया में रहने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी ऑफिशियल जो हमारी आर्मी की AMC कोर होती है, आर्मी मेडिकल कोर, उसमें जाने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस समय आप बिना देरी किए आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करें तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के समय हमारी जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा हैंग चलती है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छे से आप अप्लाई कीजिए। अब देखिए लास्ट में मैं जो पॉइंट बताने को जा रहा हूँ, आपका रिटर्न एग्जाम वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कब होने वाला है। तो रिटर्न एग्जाम की हमारी डेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से हमारा जो इसका रिटर्न एग्जाम वो कंडक्ट कराया जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा और आप 17 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो चलिए ऐसी और आपको अगर अग्निवीर, GD, जनरल ट्रेड ड्यूटी और आपको ट्रेड में लग किसी और पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी तरह की जॉब के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल में डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, GMAIL ID पर मैसेज कर सकते हैं और साथ में ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।